नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आज देशव्यापी हड़ताल है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी रोडवेज़ के वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स के वर्कर्स हैं, वो आज हड़ताल में हैं। अगर एक अनुमान की माने तो तकरीबन 20 करोड़ वर्कर जो है वो आज पूरे देश में हड़ताल पर होगा। और इसके चलते बैंकिंग, इंश्योरेंस, रोडवेज़ जैसी तमाम जो सर्विसेज हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। एक बड़ी बात इस हड़ताल के बारे में ये भी कही जा रही है कि पहली बार देश में इस हड़ताल को, मजदूरों की जो ये हड़ताल है उसको किसानों का समर्थन मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अशोक धवले, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा। इनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों ने जो आज की जो पूरी हड़ताल है उसका आह्वान, उसमें जो शामिल होने का जो फैसला किया है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अशोक सर, बुनियादी तौर पे हम अभी तक जो हड़तालों को देखते रहे थे, ऐतिहासिक जो हड़तालें रही थी, है ना, उसमें हम ये पाते हैं कि जो है वर्कर्स बढ़ चढ़ कर आते थे, लेकिन कभी भी रूरल इलाके के जो लोग हैं, कि हमने देखा कि रूरल इलाके में स्ट्राइक हुई हो, वो ऐसा हमने देखा नहीं है। बतौर SKM संयुक्त किसान मोर्चा के, आज आप लोगों ने भी कहा है कि हाँ, हम ये जो वर्कर्स की स्ट्राइक है उसका जो है समर्थन कर रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि इसका जो है ये जो है ज़रूरी हो चला है कि किसान और मजदूर अब साथ में आए? देखिए, पहले तो ये बात है कि पिछले बाल का जो हड़ताल हुआ 26 नवंबर 2020, ये बहुत ही ऐतिहासिक हड़ताल था। उस वक्त भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने और बाकी सभी इंडस्ट्रियल फेडरेशंस ने पूरे देश हड़ताल का कॉल दिया था। उसी दिन, जैसे आपको याद होगा, कि किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने चलो दिल्ली का ऐलान किया था, और उसी दिन हम लोग सब वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर चले आए। लेकिन उस वक्त भी संयुक्त किसान मोर्चा ने ग्रामीण भारत बंद का कॉल उस वक्त भी दिया था 26 नवंबर को, और वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में कामयाब हुआ। और एक तरह से ये 26 नवंबर का जो आंदोलन था, उससे सही माने में मजदूर और किसान पूरी तरीके से एक साथ में आए। एक तरफ ऑल इंडिया स्ट्राइक और दूसरी तरफ चलो दिल्ली और ग्रामीण भारत बंद। अभी आज जो है 28-29 मार्च को, डेढ़ साल लगभग होने को आया, इस डेढ़ साल में कई घटनाएं हुई है। आप जानते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, वो जीत गया। तीनों कृषि कानून जो पूरी तरीके से किसान के विरोधी थे, जनता के विरोधी थे, देश के विरोधी थे, इनको मोदी सरकार को रद्द करना पड़ा, ये 1 साल और 15 दिन के आंदोलन के बाद। लेकिन आज भी सभी सवाल किसानों के हल नहीं हुए, मजदूरों के तो बिल्कुल नहीं हुए। आज ये जो 28-29 मार्च का जो हड़ताल है, उसमें जो मुख्य मांगे हैं, एक तो लेबर कोड है, श्रम संहिता को रद्द करो। जो लेबर कोड, ये कृषि कानून के तुरंत 7 दिन के बाद पार्लियामेंट में इन्होंने पास किए थे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो सिर्फ मजदूरों का नहीं है, किसानों का भी है, खेत मजदूरों का भी है, छात्र, नौजवान और महिला, यानी पूरे देश का सवाल है। वो सवाल है ये पूरे निजीकरण का, पूरा इनका ड्राइव देश को बेच डालने का, ये जो मोदी सरकार का पूरा रवैया रहा है, इसके खिलाफ भी ये 28 और 29 मार्च का ये स्ट्राइक, ये पूरे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा रोकूं, अगर आप हमें ये बता पाएं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन वाली जो पूरी ड्राइव है, उसका अगर हम किसानी पे असर देखते हैं तो वो किस तरीके का असर आपको समझ में आता है कि किसानों के साथ प्राइवेटाइजेशन क्या कर रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि बैंक के कर्मचारी जो हैं वो परेशान हैं, कि उनको लग रहा है कि भैया हम नौकरियों से बाहर जाएंगे, हमारी तनख्वाहें कट होंगी, सोशल सिक्योरिटी के जितने मेजर्स हैं वो कट होंगे, लेकिन किसानों के मन में जो ये जो सवाल है प्राइवेटाइजेशन को लेके, उसका डर क्या है, अगर आप इसको बता पाए? हाँ, देखो, किसानों के लिए डर ये है, ऑलरेडी उसकी शुरुआत हुई है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन, सिंचाई और बिजली, ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसानों के लिए। अब हम देखते हैं, ये पूरे न्यू लिबरल पॉलिसी शुरू होने के बाद, 1991 के बाद, पिछले 30-31 साल में लगातार हम देखते हैं कि ये पूरा बिजली का क्षेत्र, सिंचाई का क्षेत्र,
इसका निजीकरण बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि किसानों को जो पैसा देना पड़ता है बिजली के लिए, सिंचाई के लिए, उसके दाम बहुत ही बढ़े हैं, क्योंकि जब निजीकरण होता है तो ये बात जाहिर है कि उससे बहुत दाम बढ़ते हैं। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, ये जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक उसको रोक दिया है, इसका मतलब ही वो है। और वो हमारी तीसरी डिमांड थी ये संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन की, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लो, क्योंकि इससे और ज़्यादा निजीकरण वो बिजली क्षेत्र का करना चाहते थे और अभी भी चाहते हैं। तो ये सब सिंचाई का तो ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन का बहुत बुरा असर पूरा पड़ता है। अभी और एक बात मैं आपको कहता हूँ, मजदूरों के ऊपर जो होगा, अभी प्राइवेटाइजेशन जब होता है मजदूरों की बड़े पैमाने पर छटनी होती है, ये बात एकदम क्लियर है। अगर हजारों लाखों मजदूरों की छटनी हो गई तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो फिर वापस अपने गांव में आएंगे, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। और इसलिए फिर वापस ज़मीन के ऊपर जो भार है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और इसके वजह से और ज़्यादा तकलीफें किसानों की और ये जो बेरोज़गार हुए वो मजदूरों की बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। तो इस मुताबिक ये सब मामले एकदम साथ में जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये निजीकरण को हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। अशोक सर, एक जो इसमें जो बड़ा सवाल है, आज जब हम जो मजदूरों का चार्टर देख रहे थे, मजदूरों ने एक तो आपकी जो है बुनियादी तौर पर बात कही है कि हम एसकेएम का जो 6 पॉइंट का जो चार्टर है उसको जो है उसका समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री उस पर संज्ञान लें और उस पर एक्शन लें। दूसरा जो सवाल है वो नरेगा का सवाल है और वो जो है हम कहें कि ओवर द ईयर्स बड़ा सवाल होता रहा। UPA 1 में देखा हमने कि नरेगा जो है उसने जो है ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार देने का बड़ा काम किया, लेकिन अब हम पा रहे हैं कि नरेगा के जो बजट है उसमें कटौती हुई है। बतौर SKM आप लोग जो है इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और आज की स्ट्राइक के संदर्भ में अगर हम इस पूरे उसको देखें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने एकदम सही कहा, नरेगा का सवाल आज पूरे देश में बहुत ही अहम सवाल बना है, ख़ास तौर से ये कोरोना के महामारी के बाद, क्योंकि आज रोज़गार बिल्कुल नहीं मिल रहा है, रोज़गार के हालात तो बहुत ही ख़राब है पूरे देश में। और ऐसे वक्त में नरेगा के ऊपर मोदी सरकार ने लगातार अपना निवेश बढ़ाने के बजाय उसको घटाने का काम पूरी तरीके से किया है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, नरेगा के कानून में क्या है कि परिवार के कम एक व्यक्ति को साल में 100 दिन का काम की गारंटी मिलनी चाहिए, लेकिन हमने जो देखा अभी जो पूरे देश के फिगर्स आए हैं, एक्चुअली औसतन अगर हमने देखा तो आज 54 दिन सिर्फ काम मिल रहा है हमारे खेत मजदूरों को। तो 54 दिन, 100 दिन कहाँ गारंटी के और 54 दिन मिल रहे हैं, ये बात है। यानी हम ये कह रहे हैं कि साल में सिर्फ जो है 12 महीने के बजाय 2 महीने ही काम, 2 महीने ही काम मिल रहा है। हमने ये डिमांड किया है इसके अंदर, आज के स्ट्राइक में हमने ये डिमांड किया कि ये 100 दिन के बदले 200 दिन बनाने चाहिए, एक। दूसरा हमने किया, अभी मजदूर क्यों नहीं जाते, कई बार इतना कम उनको वेतन मिलता है नरेगा में कि उनको उसका महत्व ही नहीं लगता है, भुगतान भी कई दिनों के बाद मिलता है, करोड़ों रुपए अभी तक लाखों मजदूरों को मिले नहीं। तो हमने ये डिमांड किया है जो केंद्र सरकार का 203 रुपया मनरेगा पे है उसको कम से कम डबल करिए, दुगुना करिए, 400 के ऊपर लेके जाइए। एक्चुअली हमारी मांग है 600 रुपये की, लेकिन कम से कम दुगुना तो करिए, 400 रुपये के ऊपर हर दिन का वेतन, ये एक बात है। किसानों की मांग जो मैंने आपको बोल रहा था, देखो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, जो मांग अभी भी मोदी सरकार ने पूरी नहीं की। सबसे बुनियादी मांग है MSP की गारंटी देने की मांग। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने, जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स था, तो उसने ये कहा था कि अगर ये किसानों की आत्महत्या को रोकना है, जो आप जानते हैं पिछले 25 साल में 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है, और इसलिए अगर वो रोकना है, स्वामीनाथन कमीशन ने यह कहा था, हर किसान के हर फसल को जो उसका लागत खर्चा है
उसका 1.5 गुना दाम उसको मिलना चाहिए और वो कानूनी तौर पर मिलना चाहिए। तो ये हमारी इस एसकेएम की बहुत इम्पॉर्टेंट मांग है, किसान सभा की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, उसके अंदर आज जो कर्जा माफ़ी की, कर्जा मुक्ति की मांग, ये भी हम अभी जोड़ेंगे एसकेएम इसके अंदर, जो नए से एक डिमांड चार्टर बनाएगा। कर्जा मुक्ति की मांग ये बहुत ही ज़रूरी है और ये दोनों मांग अगर साथ में ली जाए, यानी कर्जा मुक्ति एक तो, और उसके साथ एमएसपी की गारंटी, ये दो होगा। क्योंकि एमएसपी की गारंटी क्यों, एक बार अगर कर्जा माफ़ी कर दी, फिर से 2-3 साल के बाद किसान कर्जे के अंदर डूब जाएगा। ये अगर रोकना है तो एमएसपी की गारंटी वाला कानून बिल्कुल होना चाहिए, ये एक बात है। और 2-3 बातें हैं किसानों की। ब्रीफ में मैं जो आपसे जानना चाह रहा था वो ये है कि देखिए, अभी जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वेस्ट बंगाल, केरला और तमाम इंडस्ट्रियल टाउन्स में जो है मजदूरों ने काम रोकना जो है वो शुरू कर दिया है। एसकेएम की तरफ से आज क्या एक्शन होने वाला है? देखिए, एसकेएम की तरफ से हमने ये कॉल दिया ग्रामीण भारत बंद। इसका मतलब क्या है, अलग अलग जगह में जो छोटे गांव है जहां पर मुख्यतः किसान और बाकी लोग रहते हैं, वहां पर पूरे वो छोटे छोटे गांव हम बंद करेंगे। एक दूसरा होगा चक्का जाम, पूरे देश भर में किसान और खेत मजदूर बहुत बड़े पैमाने पर चक्का जाम करेंगे, करोड़ों की तादाद में हमारे किसान रास्ते पर आएंगे और पूरे हाईवे, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, ये भी हम बंद करेंगे। यानी पूरा ग्रामीण भारत पूरी तरीके से बंद होगा, बाज़ार पेट जो है, ये जो मंडियां है, ये सब बंद रहेगी। तो हर एक जगह से, हर एक तरीके से ये ग्रामीण भारत बंद को हम कामयाब करेंगे, ये स्कीम का पूरा रवैया आज का रहेगा। शुक्रिया बात करने के लिए।